वाली। यार एक मच्छर घूम रहा था मारने से ताली मार के। इस इवेंट पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रखे हैं और इवेंट में बहुत ही ज्यादा मजा आया और बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिला फेसबुक के बारे में। हैप्पी बर्थडे टू मी। कैंडल को फूंक मारना भूल गए। गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, मैं उठ चुकी सुबह सुबह और जो पैकिंग थी वो हम रात को करके सोए थे और हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। और सबसे पहले ओंकार को उठाती हूँ। ओंकार गुड मॉर्निंग। ओंकार कितनी देर में उठाऊं? आधे घंटे में उठा दे। आधे घंटे में केटल में रखते हैं पानी होने गर्म। मीनवाइल मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। नवाब, नवाब किधर गया? ओ नवाब गुड मॉर्निंग। तू बाहर क्या कर रहा था? क्या बाहर क्या कर रहे थे आप? नींद नहीं कर रहे थे? बाहर सो रहे थे आप? बाहर ना भाई थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम है इसलिए नवाब साहब जी बाहर बैठे हुए थे, है ना नवाब? ओ मेरे पूछू, वॉक करते को भी मुझे सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और अंधेरे से दिन हो चुका है और अब मैं पीती हूँ अपनी चाय और उठाती हूँ कार को क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आधे एक घंटे तक सैर कर सकूं। मैंने सोचा कि जितनी देर मुझसे हो पाएगी उतनी देर मैं कर लूंगी। तो ओंकार रंधावा जी उठ चुके हैं तो लाइट बैटे करते हैं ऑन। तैयार होना शुरू हो जाए। अच्छा ठीक, मैंने तो सारा बैग पैक कर लिया था। ओंकार रंधावा जी भी पड़े हैं। कितना टाइम लगेगा तुम्हें वैसे पैक करने में? मुझे दो जोड़ी कपड़े लड़कों का सही दो जोड़ी है। दो जोड़ी इंटू टू चार जोड़ी हो जाएगा। तुम मुझे लगता है तुम्हारी पैकिंग में सिर्फ 2 मिनट लग रहे हैं। मेरे को कम से कम रात को 1-1.5 घंटा तो सिर्फ पैकिंग करने में लगा। रात को नेल पेंट भी लगाई मैंने। मैंने कहा पिछले कश्मीर के ट्रिप में से नेल पेंट ही नहीं लगा, इस बार मैं रात को नेल पेंट लगा के सोई। मैं और ओंकार हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। हमारे 2-3 छोटे छोटे काम बचे हैं। सबसे पहले ये बैग को बंद करना, दूसरा लैपटॉप और कैमरा वगैरह उठाना और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी काम सैनिटाइजर की बोतल भरना जिसको भरे को मुझे लग रहा बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ऐसे ओंकार गाड़ी साफ करे ना करे, और आज जब हम गाड़ी में नहीं जा रहे हैं उस दिन तुम गाड़ी साफ करो, मतलब क्या चाहते हो तुम? क्या हुआ? मैं वो कैमरे की लेंस कैप ये ढूंढ रहा था, फिर मैंने सोचा कुछ जो अनवांटेड चीजें वो भी बाहर निकाल दूं। मल्टीटास्किंग। तुम्हारी पैकिंग वैकिंग हो गई है ना सारी? एक बार रीचेक कर लेते सैनिटाइजर मास्क ओंकार तुम्हारा। A to Z। तुम्हारे मास्क नहीं लिया तुमने? ले लिए मैंने। पक्का? हम अभी बैग्स बाहर रख रहे थे और ओंकार ने किया एक शुभ काम। कांच टूटना बहुत अच्छा होता है। तुमने काम बढ़ा दिया ओंकार। क्या बात है आदि, कैसी नई शर्ट है तेरी? जेबो वाली। सबको मैं क्लू दे दूं कि जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं मम्मी ने हमें स्टार डिक्लेयर कर दिया हुआ है। पहले स्टार बन गए। चलो चलते मम्मा। ओके बाय बाय डैडी। बाय मम्मा। बाय पापा। ओ फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। ओंकार तो वो घड़ी आ चुकी है जब हम आपको बताने वाले हैं सनसनीखेज पड़े वो कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तेरे को खबर में नहीं, खबरों में नहीं लिया किसी ने सनसनीखेज तो बोले ज्यादा था। बता तो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बॉम्बे, BOMB बॉम्बे। मुंबई जा रहे हैं हम और बहुत ही स्पेशल इवेंट है उसके लिए जा रहे हैं। ऑफेंड हो जाते हैं लोग अगर मुंबई बॉम्बे बोल दो। सॉरी, मुंबई जा रहे हैं हम और बहुत ही स्पेशल इवेंट के लिए जा रहे हैं और भी बहुत स्पेशल काम करने जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और पहली बार जा रहे हैं लाइफ में पहली बार मुंबई। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सिक्योरिटी चेक हो चुका हुआ है, फाइनली हम जा रहे हैं मुंबई। एक तो इंडियन आइडल ने मुंबई का इतना ज्यादा क्रेज बता दिया हुआ है ना, आप मुंबई आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं। मुंबई जा रहे हैं ना, मुझे पता है कैसी फील आ रही है इस टाइम। जैसे स्ट्रगल करते जा रहे हैं। नहीं नहीं स्ट्रगल करने नहीं जा रहे, जैसे भी नए नए गांव के लोग शहर जाते हैं ना, मुझे ऐसी फील आ रही है। मुंबई का क्या हाइप ऐसा बना हुआ है? चंडीगढ़ वालों के लिए शहर ही है मुंबई। हाँ, हमें यहाँ स्लो लाइफ की बहुत स्लो लाइफ है, वहाँ फास्ट लाइफ है यार। और अब एयरपोर्ट पे आए हुए हैं तो एक नाकामयाब कोशिश लॉन्च में जाने की फिर से होगी और देखेंगे तीनों को एंट्री। तुम्हारे पास कार्ड वही है ना पुराने वाला जो यूज किया? एंट्री मुझे मिल जाएगी, इसके पास दो है ना कार्ड। अच्छा आदित्य के पास दो कार्ड है। हालात देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम तीनों अंदर जाने वाले हैं। जाएंगे आज तो अपन जाएगा। तो
लॉन्च की ना सिर्फ एक चीज अच्छी है, वो ये कि 2 रुपए में आपको अनलिमिटेड खाना मिल जाता है। परंतु क्या वो खाना स्वाद होता है? नहीं, बिल्कुल स्वाद नहीं होता है। तुझे स्वाद लगा? एवरेज सा है मतलब। और एक चीज अच्छी जो होती है, आप जितनी मर्जी कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, अब तो पैसे वसूल रहे हैं, मतलब कई बेनिफिट है। हाँ। और स्वाद नहीं होता एयरपोर्ट पे, मुझे लगता है ऑल ओवर ही खाना एवरेज ही मिलता है, इट्स नॉट वाओ। एयरपोर्ट पे बस पेट भर लो अपना, अगर भरना है तो, नहीं तो घर से खा के आओ ज्यादा बेटर। तू क्या कर रही है? ओंकार जी कुछ खाओगे? मना कुछ खाने का नहीं? फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। और तुम्हारा रास्ता का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया था, सही था, सोता पर नहीं यार, काफी टर्बुलेंस थी। टर्बुलेंस है ना, काफी ज्यादा टर्बुलेंस थी। देखो पहले मुझे लगा कि पंजाब रोडवेज का थोड़ा इशू चल रहा है, पंजाब वाली सड़कें खराब है, बट नहीं, ऑल ओवर पूरे रास्ते में सड़कें जो है ना पैचेस बहुत है, खड्डे बहुत है, जहाज टूटे माटे करते हैं। कुछ लोग इस बात को सीरियसली ले, ये मजाक चल रहा है। बड़ी लिफ्ट मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। तो स्कूटर आ जाए 10 स्कूटर कमरे लग रहा वैसे भी, तो पूरा का पूरा नाइस आईडिया है। अभी बॉम्बे में कोई स्ट्रगल करने आए उसके पास रहने की जगह ना, लिफ्ट के अंदर गद्दा बिछाए सो जाए। ये भैया इमरजेंसी बटन किस चीज के लिए? ये कहीं गाड़ी खराब हो गया कुछ हो गया तो ये दबाएगा तो पुलिस की गाड़ी आएगी। अच्छा पुलिस की गाड़ी आएगी, ये सारी टैक्सीज में रहता है सब में लगी। तो जी आज ही आपको देते हैं हम हमारा अमेजिंग सा रूम का टूर जो हमने खुद ने नहीं देखा है। भाई साहब बाथरूम को 2-2 रास्ते, वो रास्ता और ये कमरे से भी रास्ता। बाथ टब कहाँ है? अच्छा ये रहा बाथ टब जो कि कभी यूज नहीं आता है। नहीं, क्योंकि हमेशा हम जल्दी में होते हैं, भागते भागते जाते हैं। कपड़े धोएंगे उसमें। अब जरा मुंबई का व्यू भी देख लेते हैं। वाओ बिल्डिंग, वाओ मुंबई कितना सुंदर लग रहा है। यार बालकनी वाला कमरा मिलना चाहिए था, है ना, बालकनी सही रहे। चलो कोई नहीं, पैसे ज्यादा मांग रहे थे, दे तो देते वो। कैसे ज्यादा मांग रहे थे? बेसिकली आज है हमारा इवेंट जो कि है 4:30 बजे, और उस इवेंट में कौन कौन आने वाला हमें कुछ नहीं पता। हमारे पास हमारे खुद ही सरप्राइज होने वाला है। यहाँ मत, इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ लाइट जा सकती है। देखो जब भी आप किसी होटल में जा रहे हो, आप पैसे खर्च रहे हो, पूरा एक्सप्लोर करो, देखो वहाँ पे क्या क्या है, किस चीज पे आपने पैसा दिया है, एक्सप्लोर करेंगे। क्या होगा होटल भी घूम के आना यार, वो स्टेप्स पूरे करने। सुन रहे, स्टेप्स पूरे करने हैं। लोग मेरी इतनी नकल करते हैं ना, मतलब मैं एडिटिंग कर रही थी, मुझे देख के ओंकार भी एडिटिंग करना शुरू कर दिया है। ओ, नकल करने के लिए तो तू ही बची है, जिसके पास खुद के पास अकल नहीं है। क्या करते रहते हो? जैसे देख तू बातें करती है और खुद हंस पड़ती है, साउंड इफेक्ट जो है ना तू खुद देती है। सेम मैंने नकल कर लिया तेरी, साउंड इफेक्ट मैं दे दिया करूंगा। अपनी बाहर करने के बाद क्या मारा, क्या मारा, चागे गुरु ताली। यार एक मच्छर घूम रहा था मारने से ताली बोलते। हार्ट अटैक से मर जाएगा ताली की बात से। मुख से इतना भी कोई खास जोक नहीं था जितनी तुमने हंसी की है, इससे ज्यादा अच्छे जोक तो मैंने एरोप्लेन में मारे थे। हमें ना मच्छर लड़ रहे थे तो भैया स्पेशल आया है मच्छर मारने के लिए। मच्छर मारने के लिए पहले मच्छर ढूंढेंगे। भैया अगर बेड के नीचे हुआ तो बेड के मिल जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। कॉन्फिडेंस ऐसा चाहिए भैया, स्प्रे से कर देते तो ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि रूम में हम रुके हुए हैं ना।
अच्छा अच्छा है वैसे। वो आती है ना जो वो मोटी वाली काली वाली, वो मार दो इधर एक दो बार। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मच्छर ढूंढना ना। मच्छर ढूंढना तो भैया मुश्किल काम है। ये तो बिल्ला बंदा कर सकता है, चलो मच्छर पकड़ के मारेंगे। फाइनली यहाँ पे स्प्रे करने का डिसाइड किया गया। थोड़ी देर में इवेंट शुरू होने वाला है, मुझे लगता है ओंकार और दत्ता ने भी कोई चेंज वेंज नहीं करना है। करने चेंज नहीं, ऐसे जा रहे हैं, पर मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम तैयार होने में। सो गाइस, ये वाली ड्रेस है जो कि अभी मैंने नई नई खरीदी है, इसके ऊपर मैं पहनूंगी कोट और साथ में मैंने लिए है न्यू इयररिंग्स और ये है मेरे न्यू इयररिंग्स। ये है मेरी फाइनल लुक, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और है पापा का बर्थडे, तो हमने यहाँ से पापा को बुके भिजवाया है और उधर मम्मा को फूड पॉइजनिंग हो रखी है, तो मुझे लगता है पापा का बर्थडे बहुत खराब होने वाला है। क्योंकि मम्मा भी ऐसे ही गया था, पापा को भी ऐसे ही है कि मतलब एटलीस्ट ये होता है ना कि चलो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे कुछ ना कुछ कर लेते हैं बच्चों के बिना, एंजॉय कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। बेचारे पापा का इस बार घूमना भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कैंसिल होने वाला। कार्टून लग रहे हैं उठ के, कलरफुल तो मस्त लग रहे ना। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर मामा जी, हैप्पी बर्थडे टू अब कैंडल को फूंक मारना भूल गए। इस इवेंट पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रखे हैं और आदित्य गौतम अपने फेवरेट यूट्यूबर के पास जा चुके हैं। हाय, हेलो, हाय, दिस इज फैजल। उनका चैनल है, इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल फैन ही वैसे। ये कब से बोल रहा था कि मुझे मिलना, मुझे मिलना। एक्चुअली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हुई है तो इसका बहुत कनेक्शन है गाड़ियों के साथ और ये सब चीजें। एंड गेस इस इवेंट में और कौन आया है? टिश 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 टिश, प्रेरणा दी। हेलो, हाय। के इवेंट में बहुत ही ज्यादा मजा आया और बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिला फेसबुक के बारे में, फेसबुक इनसाइट्स के बारे में। बहुत ही ज्यादा जल्दी फूडी भी, छोटी वीडियोस पे भी ध्यान देगा। खाना हाँ। खाने के बाद टाइम आ चुका है सोने का और आदित्य गौतम ने उठा लिए है अपनी अटैचियां। भाई मेरे लिए अलग कमरा बुक हो रखा है, मैं आराम से कल्ला बेड पे पसर के सोऊंगा। तो गुड नाइट, सी यू टाटा बाय। सिर्फ आज के लिए अलग कमरा? हाँ, आज के लिए अलग है क्योंकि ये फ्री में था, कल से पैसे देने हैं तो एक ही कमरे में। अपने नाइट सूट में और अब मैं करूंगी अपना फेस क्लीन और मैंने ओंकार ने अभी इंस्टाग्राम पे डाली है फोटोज एंड रील्स, सो गो एंड चेक इट आउट। और अभी टाइम आ चुका है सोने का एंड दैट्स इट गाइस, अब हम आपको मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ है, बाय, गुड नाइट।